हेलो दोस्तों आप सबको प्रभु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की दोस्तों स्वागत करते हैं चाहते हैं उनके आज बाइबल के छह ऐसे वचन को मैं बताने वाला हूं जिन्हें वो पता चल जाएगा कि क्या हम धनी हो के भी क्या हम खुश हैं या नहीं है या दोस्तों वो लोग जो धन पे आशा रखते हैं भरोसा रखते हैं वो इन वचन को अगर छह वचन को वो भी पढ़ेंगे वो भी सुनेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि क्या हम धनवान हैं तो क्या हमारे लिए सुख सुविधा सारे धन ही है तो दोस्तों जैसा कि बहुत से ऐसे भाई सोचते हैं कि मेरे पास काश बहुत सा धन होता तो हम आनंद में जीवन जीता हम शांति का और सुख का जीवन जीता लेकिन दोस्तों क्या ये सही बात है नहीं दोस्तों ये सही बात नहीं है सही बात ये है कि सुख का दाता और आनंद और शांति का दाता परमेश्वर है जब वो आपके साथ है तो आपको सब सुख सुविधा मिलेगा दूसरी बात है दोस्तों कि जो धनवान है वो सोचते हैं कि मेरे पास धन है तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन प्रियो ये सही बात नहीं है अगर आपके पास धन है तो सब कुछ नहीं है धन से आप सामान खरीद सकते हैं वस्तु खरीद सकते हैं लेकिन धन से सुख नहीं खरीद सकते हैं शांति नहीं खरीद सकते हैं आनंद को नहीं खरीद सकते हैं जैसा कि ये सच्चाई बातें हैं तो आज मैं बाइबल के छह ऐसी वचन आपको बीच में रखूँगा दूंगा जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद है जे आंखें खुल जाएंगे और कान खुल जाएंगे कि बचन क्या आपसे बातें करती हैं परमेश्वर क्या आपसे बातें कर रहे हैं जैसा कि दोस्तों हर इंसान चाहता है कि हम धनवान हो जाए दोस्तों ये बुरी बात नहीं है धन कमाना और धन इकट्ठा करना ये बुरी बात नहीं है लेकिन दोस्तों धन किस कार्य के लिए हम इकट्ठा करना चाहते हैं किस परपज से इकट्ठा करना चाहते हैं क्या हमारे अंदर सोच है है धन एकत्रित एक करने का इस पे है जो फर्क पड़ता है दोस्तों क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं प्रियो कि आप धनवान हो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप धनी हो लेकिन आपको पास जब धन है तो उस धन को कहाँ इस्तेमाल करना है किस जगह पे उसे खर्च करना है इसके बारे में भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान ले तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें वीडियो अंत तक देखें ताकि आज जो मैं बाइबल के छः ऐसे वचन को आपको बीच में रखूँगा जिसे आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर धन के बारे में क्या बातें करते हैं तो दोस्तों मैं एक एक करके छः वचन बताऊँगा पहला वचन है पहला तिमोती छः के सत्रह कहता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत ऐसे देता है तो दोस्तों साफ कहता है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे यानी उन्हें बताना है कि वो अभिमानी न हो अगर आपके पास धन है तो आप अभिमानी न हो जाइए आप अपने आप को मन में अहंकार मत कीजिए कि हमारे पास धन है क्योंकि धन क्या है चंचल धन है वो आज आपके पास है कल किसी और के पास चला जाएगा परसों किसी और के पास चला जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने धन किसी को स्थिर करके नहीं दिया है आज आपके पास है कल उसके पास जाएगा इसीलिए वचन कहता है कि चंचल धन पर आशा ना रखे परंतु आशा कहाँ रखे परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत ऐसे देता है तो दोस्तों वो परमेश्वर देने वाला अगर आपके पास धन है तो परमेश्वर ने दिया है और उस धन को सही से इस्तेमाल करें उस धन पे भरोसा और आशा ना रखें जो आपका चंचल धन है वो नहीं रह सकता है जैसा कि नीति वचन तीन के छे और नौ और दस कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा तो दोस्तों अब अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप पहले प्रभु को स्मरण करें उनको याद करें उनको ध्यान करें और उनसे बातें करें तब काम को शुरू करें क्योंकि बाइबल बच्चन कहता है कि सब काम करना कोई भी आप कर रहे हैं आप उसे कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी काम कर रहे हैं उस सब कामों में है जो परमेश्वर को स्मरण करें तब वह आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा सीधा मार्ग निकालेगा ऐसा परमेश्वर कहते हैं प्रयोग इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके मार्गों पे चले उनके रास्ता पे चले जैसा कि नवायत कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के पहली उपज दे देकर युवा की प्रतिष्ठा करना तो दोस्तों जो भी आपके पास परमेश्वर देते हैं या तो आप खेती करते हैं और खेती में आपको फसल होता है तो उस फसल को उपज को आप परमेश्वर को पहली उपज को सबसे पहला जो उपज है पहला फल है उसे आप परमेश्वर को दे दे करके आप है जो उनकी प्रतिष्ठा को करें ताकि परमेश्वर और आपको है जो फलवंत करें और आपको है जे उपज है जे अच्छा से दे और दोस्तों अगर नौकरी आप करते हैं तो उस नौकरी से आप जो भी कमाते हैं उसमें है जे आप परमेश्वर को दे परमेश्वर को आदर करें परमेश्वर को उसे दान दसवान दे ताकि वो परमेश्वर आपको है जे उसमें और बढ़ाए जैसा कि दोस्तों आगे का वचन कहता है किस प्रकार तेरी खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाकमंदो मंडता रहेगा तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास धन बरकरार रहे और हम आगे की ओर बढ़ते जाए आशीषमय होते जाएं तो दोस्तों आपको सबसे पहले परमेश्वर को उसमें से पहला स्थान देना होगा परमेश्वर को पहली उपज है जो देना होगा भूमि का जो भी आप खेती करते हैं उसका या तो व्यवसाय करते हैं तो उसका या तो नौकरी करते हैं तो उसमें से आपको परमेश्वर को देना होगा तभी आपके खाते है जो भरे रहेंगे आप भरे पूरे रहेंगे और रस से कुंडों से नया दाकमंद उमड़ता रहेगा यानी आप खेती जो कर रहे हैं उसका खे फसल को है कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं नाश करेगा किसी तरह से उसका फल नहीं गिरेंगे कच्चा फल नहीं गिरेंगे क्योंकि परमेश्वर उसे संभालेगा और परमेश्वर आशीष आपको देगा और दोस्तों ये सही बात है जब आप ऐसा करके देखेंगे तब आपके जीवन में जो जी पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन कैसे आपके जीवन में काम करता है दूसरा गुरंथ यू का नव कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ तो दोस्तों यहाँ साफ साफ बताता है कि हम आपको धनी हो होने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि हम आप है जे धनी हो जाए तो दोस्तों प्रभु चाहते हैं कि आप धनवान हो प्रभु चाहते हैं कि आप धनी हो प्रभु अपने लोगों को आशीष दिया है जैसा कि हम बाइबल में भी देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने धनाधय बना दिया वो इतना धनी था कि उसके कई भीड़ च बकरी कितने हो गए पूरा आशीष परमेश्वर ने दिया और वो आपस में जे लूत और अब्राहम के चरवाहे जे झगड़ने लगे तो दोस्तों प्रभु चाहते हैं कि आप धनाधय हो जाए आप धन धनवान हो लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि पहला जो उपज है जो प्रभु को दे दे करके उनकी प्रतिष्ठा करें उनके पास लाएं उनको आदर दें और उनकी महिमा करें ताकि वो परमेश्वर और आपको आगे बढ़ाए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धनी होते हुए भी हम सबों के लिए वो कंगाल बन गया ताकि हम आप है जे धनी हो जाए नीति वचन तेरा के साथ कहता है कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है जी हाँ दोस्तों ये सच्चाई बातें हैं कि बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो पैसा कमाता तो है लेकिन वो पैसा है जे उन जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा है जे अपने हाथों को खोल के रखता है अपने हृदय को हमेशा जो भी उसको बनता है उससे वो मदद करता है उसी सहायता करता है और परमेश्वर उसे कभी घंटी कमी नहीं होने देता है परमेश्वर उसके पास है जे हमेशा है जे कहीं ना कहीं द्वार से उसे देते रहता है लेकिन कई लोगों को दोस्तों ऐसा भी लोगों को देखे होंगे कि हमेशा वो धन उसके पास रहता है फिर भी वो और धन को बटोरता रहता है लेकिन दोस्तों वैसे धन को बटोरने से क्या लाभ कि वो परमेश्वर के नज़र में है जे वो कंगाल बन गया वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो है जे परमेश्वर उसको है जे आदर दे सके परमेश्वर उसको प्रशंसा कर सके कह सके कि इसने ये काम किया है तो दोस्तों अगर कोई धन बटोरता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता कोई काम का नहीं रहा धन तो पूरा वो इकट्ठा कर लिया लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा लेकिन कोई व्यक्ति के पास धन तो उड़ा दिया लेकिन उसके पास बहुत रहा इसीलिए दोस्तों इन बचनों से हम आपको सीखना होगा जैसा कि यीशु मसीह भी साफ कहें मती छः के तैतीस में कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें क्या खोज करना चाहिए हमें धन खोज करना चाहिए या हमें प्रभु के राज्य के या धर्म की खोज करना चाहिए जैसा कि छः के तैतीस में प्रभु ने कहा है इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी तो दोस्तों हम आपको धन के पीछे नहीं दौड़ना होगा ऐसा हम नहीं करें दोस्तों कि आप परिश्रम ना करें काम ना करें कमाना छोड़ दें नहीं दोस्तों आप काम करें प्रभु ने कमाने के लिए बोला है परिश्रम करने के लिए बोला है लेकिन ये नहीं कि आप अपने धन को ये आप उस पर भरोसा रख लें उस पर आशा रखें क्योंकि परमेश्वर है जे हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुताय से देने वाला है इसलिए दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि हमें उनके राज्य और धर्म की खोज करें अगर राज्य और धर्म की हम खोज कर रहे हैं तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, तुम्हें मिल जाएगी जो भी आपकी जरूरत है खाने के लिए भोजन रहने के लिए घर पहनने के लिए कपड़ा और शरीर में आपको चंगाई इससे बड़ा और क्या चीज़ है मेरे प्रियो अगर आपके पास करोड़ों रुपया है और आप स्वस्थ नहीं हैं आप बीमार हैं आप सुखी जीवन नहीं जी रहे तो किस काम के लिए आपके पास उतना संपत्ति है कि शरीर में आप यूज नहीं कर पा रहे इसलिए प्रियो प्रभु ने कहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है बाकी सब प्रभु ये देने के लिए कहा है युना चौदह के छे अंतिम वचन में आप सबों को बताना चाहता हूँ प्रियो कि यशु ने उसे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता तो दोस्तों हम आप सब को प्रभु ने स्पष्ट बता दिया है कि कोई भी बिना यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग को नहीं जा सकता पिता के पास नहीं पहुँच सकता और यीशु ने साफ ये भी कर दिया है कि वही मार्ग सच्चाई और जीवन है तो दोस्तों हमें उसी थामे रहना होगा हमें प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने के लिए हमें नित्य दिन है जो उनसे बातें करना होगा प्रार्थना करना होगा बाइबल को पढ़ना होगा और जब उनसे हम बातें करेंगे बाइबल वचन को पढ़ेंगे तभी है जे उस जीवन में प्रभु हमें ले जाएगा क्योंकि जीवन वही है मार्ग सत्य और जीवन वही है तो प्रियो अगर अब तक आप धन पे आशा रखते हैं धन पे आप भरोसा रखते हैं तो धन पे आशा और भरोसा रखना छोड़ दें क्योंकि वो धन आपको अनंत काल के लिए नहीं ले जा सकता वो धन आपको जीवन नहीं दे सकता वो धन आपको सुख नहीं दे सकता सुख देने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हम सबको बहुतायत से देता है इसलिए दोस्तों अगर आप धन की चाहत रखते हैं तो आप इसे चाहत रखना छोड़ दें हाँ दोस्तों आप काम करें परिश्रम करें धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने बोला है आप करें लेकिन प्रभु में बने रह करके उनमें हो करके उनके वचन में बने रह करके जो भी आपको मिलता है उसे परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हुए तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बातें किया है दोस्तों आज के वचन से अगर आप आशीष पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें इसी प्रकार से नए वीडियो आप तक जाते रहें तो दोस्तों धन्यवाद करते हैं कि आपने वीडियो में बना रहा आप सबको जय मस के गॉड ब्लेस यू